इतनी ज्यादा पब्लिक आई तो है इतनी ओह माय गॉड, बच्चा गिर गया गाइस यहाँ पे। यहाँ पे हमारा एक एंड हो गया है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ वाटरफॉल के पास, जो यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर के हम लोग की राइड रहने वाली है। तो अभी ये मेरे गांव का ही लोकेशन है जो आपको भी दिख रहा है। तो अभी हम लोग निकलने वाले थे 9 बजे, बट मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, 10:30 बज चुके हैं। एक घंटा मैं करीबन 1 से 1.5 घंटा लेट हो चुका हूँ। अभी मैं पेट्रोल डलवाने के लिए जाता हूँ, पेट्रोल डाल के सीधा निकलते हैं वाटरफॉल के पास। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पेट्रोल पम्प के पास और यहाँ से हम लोग भरवाते हैं पेट्रोल और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हमने भरवा लिया है पेट्रोल, अभी चलते हैं रपा रप, हमारी गाड़ी चलेगी और जल्दी से पहुंचते हैं वो वाले लोकेशन पे जहाँ पे सब लोग मिलने वाले हैं। तो हमारे साथ में घर से जो आई है वो एक एक्सेस गाड़ी आई है और मेरी अपनी किंग जो कि 220 वो है। दो गाड़ी यहाँ से है, बाकी वहाँ पे कितनी गाड़ी है मेरे को पता नहीं है। और 50 से 60 किलोमीटर की आज हमारी राइड रहेगी, पहले आपको जैसा कि बताया। और मैंने जहाँ पे पेट्रोल भरवाया वहाँ पे बता रहे थे तो भी मैंने कैमरा बंद किया था, बट अभी आपको बताता हूँ मैं। तभी वो बोल रहे हैं गाड़ी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो बोलता है ये कौन सी गाड़ी है, रिएक्शन देखने लायक था। बट मेरा तभी कैमरा बंद कर दिया था, मैंने बोला भाई 220 अब। यहाँ पे रास्ते पे मौसम बदल गया, अभी बारिश चालू हो गई है, तो मेरे ख्याल से रेनकोट पहनना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है बट ज़्यादा आने का चांसेस लग रहा है मुझे, क्योंकि बादल पूरे काले हो चुके हैं ऊपर और बारिश ज़्यादा आने वाली है। अभी तक जहाँ पे सब लोग मिलने वाले हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचे नहीं, बारिश एकदम से ज़्यादा बढ़ गई है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी किसी जगह पे रुक के रेनकोट पहनना पड़ेगा। अभी देखते हैं आगे, थोड़ा सा बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा गोप्रो का भी सेफ्टी बनाना पड़ेगा क्योंकि बॉडी के अंदर लगाया है तो पानी जाने का चांसेस रहेगा उसके अंदर। तो आगे देखते हैं, हमें पहले आ गए तो यहाँ पे रुकते हैं साइड पे और रेनकोट पहन लेते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी हम लोग ने यहाँ से कंटिन्यू राइड चालू कर दी है, यहाँ से दो यहाँ पे हमारा एक बैंड हो गया है, इसको थोड़ा सा फिट करना पड़ेगा। और देख सकते हो ये पंखा बहुत बैड क्वालिटी का है, मत लेना गाइस कभी भी आप लोग। नंबर प्लेट बैंड हो गया मेरा, तो पूरा अभी ये नट को बदली करना पड़ेगा। यहाँ पे ये लेना मत कभी भी गाइस, ये वाला मडगड़ मत लेना। तो अभी यहाँ पे मडगड़ जो है हमने दूसरा नट लगा के टाइट किया, एक्स्ट्रा नट मैं घर से लाया था। अच्छा हुआ कि मैं घर से लेके आया था। और आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, ए वाला मडगड़ कभी भी मत लगाना, कभी भी मत लगाना मेरे को। अभी क्या करेगा, बारिश के टाइम पे तो थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, कैसे भी करके इसको वेल्डिंग करना पड़ेगा, अभी नट से काम नहीं चलने वाला इसका। अभी आपने देखा ना, ये मडगड़ की वजह से पूरा नंबर प्लेट भी बैंड हो गया। और सामने देखो हमारा तिरंगा कितना मस्त लहरा रहा है, वंदे मातरम जय हिंद, बहुत प्यारा सा लहरा रहा है यहाँ पे हमारा तिरंगा। तो ये रहे हमारे फ्रेंड्स, काफ़ी सारे जल्दी आ चुके थे और मैं लेट हो गया ना
और यहाँ ना पंखो निकली गयो जूनी नंबर प्लेट नंबर तो बैंड है आ बीजो नट लगाइव आमा पंखो निकली गयो नंबर प्लेट बैंड थी गई तेता सर्कल न गाड़ी એ તો બરાબર છે પંખો વેલ્ડિંગ જ કરાવી લેવાનો પંખો છે ને વેલ્ડિંગ જ કરાવી લે વેલ્ડિંગ જ આ જાય ને પછી વેલ્ડિંગ કરાવ ચાલ નીકળીએ છે ઓ વેટ કરાઈવો પેલા આશીષ બહુ વેટ કર્યા કરે તા અરે तो अभी हम लोग ने यहाँ से कंटिन्यू राइड चालू कर दी है। यहाँ से दो गाड़ी खड़ी थी, अभी एक फ्रेंड जो आगे खड़ा है पेट्रोल पंप के पास धर्मपुर में, तो वो भी आएगा। तो टोटल हमारी बाइक होने वाली है 5। अभी 2 किलोमीटर बचा है, तो 2 किलोमीटर हम लोग यहाँ से ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग सीधा वाटरफॉल के पास। ये देखो यहाँ पे कितनी बाइक आई हुई है, तो ये देखो यहाँ पे कितने लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स वाले आए हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे। ये क्या कर रही है, बीच में आ रही है, थोड़ा सा देख के भी नहीं चल सकते क्या? तो अच्छा है कि स्लो है हम लोग। ये देखो ऑफ रोड पूरा मज़ा आ गया, काफ़ी दिनों के बाद मैं ऑफ रोडिंग किया। तो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करते हैं और यहाँ से हमारा होगा ट्रैकिंग स्टार्ट। तो हमारी ट्रैकिंग यहाँ से स्टार्ट होने वाली है अभी, और यहाँ पे हम लोग ने रख दिया है गाड़ी, पार्किंग कर ली यहाँ पे, और अभी यहाँ से हम लोग करने वाले हैं ट्रैकिंग। तो ये रहा हमारा ट्राइपॉड और ये रहा हमारा मोबाइल, दोनों से शूट करूँगा। अभी फिलहाल कर रहा हूँ मैं गोप्रो से शूट। तो हेलमेट यहाँ पे हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, साथ में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आपको नाश्ता भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ से कुछ ट्रैकिंग ऐसी है और यहाँ का लोकेशन ऐसा है, और यहाँ से नीचे भी थोड़ा सा वाटरफॉल जा रहा है, नीचे वाटरफॉल देखने को मिलेगा, वो छोटा सा है। तो अभी चलते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, हम लोग यहाँ पे पहुँचे, आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। कितना है क्या, कितना 12:25 12:30 बज चुके हैं, 12:25 हो गए, और पानी कितना मस्त जा रहा है देखो। अभी मैं फिलहाल कर रहा हूँ गोप्रो में शूट, बाद में मैं अपना नथिंग में भी करूँगा। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, तो ट्रैकिंग आप कुछ ऐसे देख सकते हो। तो अभी मेरे को कुछ इस तरीके से ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, और देखो मारू भी लेते रहे जी माँ हेलमेट वालू। चलो चलते हैं ऊपर से, थोड़ा आपको व्यू दिखाता हूँ, मजा आने वाला है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के पास, नीचे ऊपर से नीचे आ चुके हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारा यहाँ पे मजा आने वाला है। मैं तो नहाने के लिए जाने वाला हूँ, सर्दी हो बुखार हो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर से यहाँ पे नहाऊँगा तो मज़ा आएगा। तो अभी यहाँ का कुछ पब्लिक जो है इतनी, ओह माय गॉड, बच्चा गिर गया गाइस यहाँ पे, बच्चे को लगा भी होगा, नीचे फिसलन वाला जगह है, तो यहाँ पे थोड़ा संभल के आपको आना पड़ेगा। देख सकते हो ऐसा होता है, छोटे बच्चे को लेके आओगा तो एकदम थोड़ा सा संभल के आना, नीचे कुछ ऐसी जगह है तो आप लोग फिसल सकते हो यहाँ पे। और पब्लिक देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा पब्लिक है, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी ज़्यादा पब्लिक है। आज संडे है तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं। तो अभी मैं क्या वाटर पार्क के पास एकदम नज़दीक से आपको एकदम करीब से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा संभल के आना पड़ेगा, फिसलन वाला जगह है, मैं सोचते हैं अभी तो भैया थोड़ा संभल के जा रहा हूँ। अपना जो कैमरा है मैं भी ऊपर ले लिया हूँ, और यहाँ से ऊपर से आपको दिखाता हूँ इतनी ज़्यादा पब्लिक आई हुई है यहाँ पे, और मज़ा आ रहा है। यहाँ से वाटरफॉल कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। फुल इंजॉय कर रहे यहाँ पे पब्लिक।
लाख है। अभी मैं चलता हूँ नीचे, वो नीचे जाके बिकता हूँ, तो अभी नीचे दे देता हूँ। फुल मजा आ रहा है, फुल एंजॉय कर रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी, वो चीज यहाँ पे सब लोग कचरा फैला के जाते हैं। देखो इतनी अच्छी लोकेशन पे, इतनी अच्छी जगह पे कितने सारे लोग कचरा यहाँ पे डाल के गए। ये सभी लोगों को पकड़ के सारे लोग को मारना चाहिए, कुछ दंड यहाँ पे वसूल करना चाहिए, कुछ दंड रखना चाहिए कि ताकि ऐसे कचरा नहीं फैलाए। सब मकाई खा के सब कचरा, देखो ये सब कितना ज्यादा कचरा है लोग यहाँ पे छोड़ के गए। सारे जिस सारे में खाते उसी में छेद करते ना, ऐसे लोग है ये लोग। मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे जो लोग आते हैं कचरा पर, उसके लिए कुछ दंड रखो, कुछ जैसे देखे आप लोगों को कुछ दंड वसूलो, ताकि लोग सुधरे। यहाँ पे कितना ज्यादा कचरा यहाँ पे फैला के रखा है इस, और यहाँ पे भीगने का बहुत ज्यादा मजा है। पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन मजा आता ऊपर जिसका पानी हमारे ऊपर गिरता है तो बहुत ज्यादा लगता भी है, लेकिन मजा आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा नजदीक आपको लेके जाता हूँ, ये देखो। अभी इस जगह को अलविदा कहते हैं, और अभी यहाँ से अभी चलते हम लोग घर पे। बहुत ज्यादा मजा आया, फुल एंजॉय किया एक बार हमें। तो अभी चल रहे हम लोग घर पे, यहाँ पे एक बार लास्ट में आपको वापस एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ। रोहन, तो अभी चलते हैं घर पे, पूरा देख गया, पूरा गीला हो गया, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो यहाँ से निकलते हैं, थोड़े से धूप में खड़े रहते हैं और थोड़ा सा गर्म होते हैं। तो अभी गाइस यहाँ से चलते हैं, और यहाँ पे पार्किंग का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री में पार्किंग यहाँ पे आपको मिलेगी। तो पार्किंग करने के बाद कुछ ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं है, बहुत ही छोटी ट्रैकिंग है यहाँ पे। आप लोग जब यहाँ तक बाइक लेकर आराम से आ सकते हो, फोर व्हीलर वाले यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग अभी चलते हैं और गाड़ी को निकलते हैं। बारिश भी चालू हो गई है हल्की हल्की सी, तो अभी हम लोग निकलते हैं। लेकिन बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके, काफ़ी सारा अच्छा लगा, सुकून मिला और फुल एंजॉय किया हम लोगों ने। कुछ इस तरीके से रास्ता मिलेगा नीचे जाने के लिए अभी घर की ओर। बच्चे लोगों का रिएक्शन जबरदस्त लगा, अच्छा लगा। और आप लोगों को यहाँ पे कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके भाई को सपोर्ट करें। आपका भाई इतना मेहनत करा तो आपको आपके भाई को सपोर्ट करना आपको बनता है। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें, ताकि आपका भाई अच्छे अच्छे लोकेशन पे जाके वीडियो बना पाए। बहुत मेहनत करा आपका भाई, तो सपोर्ट करें, साथ दे आपके भाई को। तो चलो अपना वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए लोकेशन के साथ, नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय जलाराम बापा।